अभी एक क्वेरी और आ गई है। ये क्वेरी है कि पैशन, इन्होंने बोला है कि पैशन प्रो फ्रंट टायर राइट साइड से ज़्यादा घिस गया है, शायद फोर्क बनाते टाइम ऑयल डाला होगा। अब सर बैलेंस लाने के लिए लेफ्ट साइड ऑयल कम डलवाएं क्या, और राइट साइड 5 से 10 ml ज़्यादा, जिससे लेफ्ट साइड घिसे और टायर बराबर जा जाए। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर राजपूत जी को, मैं बताना चाहता हूँ अमन जी को, कि जो अगर आपको भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपकी बाइक का या स्कूटी का, किसी भी चीज़ का, बाइक का मान लीजिए, बाइक में प्रॉब्लम आती है, अगर बाइक का अगला टायर जो अगर एक साइड से ज़्यादा घिस रहा है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका पिछला टायर जो है वो टेढ़ा लगा हुआ है, टेढ़ा बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको बाइक को थोड़ा एक लेफ्ट या राइट में झुका के चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सारा लोड जो है एक साइड पे आ रहा है टायर के, जिसकी वजह से टायर जो है घिस जाता है। तो अगर आपका अगला टायर अगर एक लेफ्ट या राइट से ज़्यादा घिस रहा है, तो समझ लीजिए आपका पिछला अलाइनमेंट सही नहीं है, या फिर आपकी बाइक कहीं ठुकी होगी, बाइक का कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो आपकी बॉडी जो है बेंड हो चुकी है। तो दो चीज़ हमें करानी पड़ेगी, या तो बॉडी बैंड जो अगर वो चेंज वो चेक कराना पड़ेगा, उससे पहले पहले आप टायर को चेक करा लें। टायर अगर आपकी अलाइनमेंट सही है, मैंने बहुत पहले जो है टायर की भी अलाइनमेंट कैसे ठीक करनी है और कैसे उसको रिपेयर करना है, वो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो आप उसको वीडियो को देखें और उससे आपको पता चल जाएगा कि टायर के अलाइनमेंट को सही कैसे करना है। और अगर टायर के अलाइनमेंट आपकी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल चेक कर लिया है, तो फिर आपकी बॉडी में बैंड होगा। बॉडी में बैंड निकलवाने के लिए काफ़ी परेशानी वाली चीज़ होती है, बॉडी में बैंड जो है हर कोई नहीं निकाल पाता है, उसके लिए स्पेशल टूल होते हैं, स्पेशल एक जिग होती है, उसके अंदर गाड़ी के फ्रेम को डाल के बैंड को निकालना पड़ता है, उसके लिए बहुत खर्चा होता है और सारा चीज़ें खोलनी पड़ती हैं, गाड़ी का पूरा फ्रेम खोलना पड़ता है। तो उससे पहले आप एक बार अलाइनमेंट को चेक कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।